नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है और मैं अशोक कुमार आपके लिए फिर आ गया हूँ एक बेहतरीन औषधि लेके। दोस्तों इस औषधि का नाम है त्रिफल मूलियन। जिन लोगों को कब्ज रहती है वो हमेशा एक चिंता में रहते हैं कि अगर हम जिस औषधि का सेवन कर रहे हैं उस औषधि से हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, कुछ औषधियाँ जो आप स्नायुक्त और यूज करते हैं उसकी वजह से आपके जो आंतों में कटाव होने शुरू हो जाता है और उसके साथ जो कब्ज है वो बनती जाती है, बढ़ती जाती है, मतलब उसका पूरा अंत होने का नाम नहीं लेता। तो दोस्तों आज जो औषधि आपको मैं बना के दिखाऊंगा वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही असरकारक है। और ज़्यादातर इस औषधि की खास बात यह है कि ये किसी तरह का नुकसान नहीं करती, आपको आराम से आपका पेट साफ करेगी और आंतों में जो तासीर है उसको भी ठंडी करेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की गर्मी की शिकायत रहती है। तो दोस्तों त्रिफल मूलियन बहुत ही शानदार है, इसको बनाने के लिए आसानी से आप इसको बना सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें तीन तरह की हरड़ जो होती हैं वो होती हैं, इसके अलावा आंवला, बहेड़ा, सनाय, सौंठ और गुलाब के फूल होते हैं। सनाय की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है, तो सनाय के नाम से इतना मत डरिए। ज्यादातर औषधियों में आपने देखा होगा कि सनाई 50% होती है, लेकिन इसमें सनाई मात्र 5% से भी कम है। यानी सनाई का तो वो एक नाम लिया है कि भाई इसमें सनाई डालनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। और हरड़ तो आपको पता ही है माता की तरह है, यानी माता जिस तरह अपने बेटे को प्यार करते हैं उसी तरह हमारे लिए हरड़ है। हरड़ बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है, तो इसका प्रयोग करके आप फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में आपको पूरा बना के दिखाता हूँ और इसके होने वाले फायदे बताता हूँ। बहुत ही शानदार है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही कम सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमारे और मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से हम चलेंगे तो 1,000,000 तो हमें 10 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए आपको कह रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और दोस्तों कमेंट किया करो यार, कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कौन से वीडियो आप देखना चाहते हो, कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे तो पता भी नहीं चलता कौन सा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। हाँ ये जरूर है कि जो सेक्सुअल डिजीज पर वीडियो डालता हूँ उसके व्यूज ज़्यादा आते हैं, मुझे लगता है लोगों को यही चाहिए, लेकिन लोगों की बीमारियाँ और भी हैं और इस पर वीडियो बनाने के लिए और भी चैनल हैं, हमें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने हैं, तो आप कमेंट कीजिए। और अगर किसी खास औषधि पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए बताइए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे दर्शक क्या देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए। त्रिफल मूलियन का बहुत ही शानदार औषधि, आसानी से घर पे बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको त्रिफल मूलियन बना के दिखाएंगे और उसमें डाली जाने वाली सभी औषधियों के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर बाजार में जो त्रिफल मूलियन आता है वो थोड़ा इससे अलग होता है और इसका जो वर्णन है वो रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह बुक में मिलता है। तो दोस्तों आज हम आपको ये बना के दिखाएंगे और इसके होने वाले फायदों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है, इसमें डाले जाने वाली सारी औषधियों को आपको एक एक करके दिखाऊंगा और किस तरह से इसको बनाया जाता है वो सब बताऊँगा। थोड़ा सा अंतर ये है कि जो बाज़ार में मिलता है उसमें घी और चीनी का प्रयोग किया जाता है, जबकि हम आपको बादाम के तेल और शहद में ये बना के दिखाएंगे जो कि बुक में लिखा गया है। आजकल बाजारीकरण की वजह से आपको पता है वो चीज़ उपयोग में ली जाती है जो कि आपको थोड़ी सस्ती पड़े ताकि उन्हें मुनाफा अच्छा मिल पाए, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है। दोस्तों इसमें जो डाले जाने वाली औषधियाँ उसमें मुख्य औषधि है हरड़। हरड़ जो तीनों प्रकार की हरड़ इसमें प्रयोग की जाती है, एक तो जो काबुली हरड़ होती है जिसे बड़ी हरड़ भी कहते हैं, एक पीली हरड़ होती है और एक होती है काली हरड़ जिसे छोटी हरड़ नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों तरह की हरड़ इसमें प्रयोग की जाती है। और हरड़ के अलावा इसमें जो त्रिफला की जो अन्य दो औषधियाँ हैं आंवला और बहेड़ा उनका भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये पांच औषधियाँ हमें बराबर मात्रा में लेनी होती हैं। पहली पांच औषधियाँ तीन तरह की हरड़, आंवला और बहेड़ा, इनको 60-60 ग्राम आपको लेते हैं। तो इनके अलावा जो अन्य औषधियाँ हैं जिसमें गुलाब के फूल हैं, सनाय हैं, इनकी मात्रा 20-20 ग्राम है। ये चार औषधियाँ आपको लेनी होती है 20-20 ग्राम। तो दोस्तों गुलाब के फूल इसमें होते हैं, सनाय की पत्ती का प्रयोग किया जाता है और निशोत का प्रयोग किया जाता है और सौंठ का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये चार औषधियाँ आपको 20-20 ग्राम लेनी होती हैं। ये चारों ही औषधि जिसमें तीन औषधि मर्दु विरेचक है और सौंठ है जो दीपन पाचन करने वाली औषधि है। इसके अलावा इसमें डाला जाता है बादाम का तेल और शुद्ध शहद। तो दोस्तों इन दो औषधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। बादाम का तेल खासतौर से इन औषधियों को भूनने के लिए प्रयोग किया जाता है और जो शहद है वो लास्ट में इसमें मिलाया जाता है। जबकि आजकल जो बाज़ार में जितनी भी औषधियाँ आती हैं उनमें शहद की जगह चीनी का प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लोगे उसमें शहद की जगह चीनी मिलाई होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन नौ औषधियों का पाउडर बनाना होगा। पाउडर बना लीजिए, जो मात्रा मैंने बताई उस मात्रा में इनको तोल लीजिए। जो बाज़ार में जो औषधियाँ आती हैं उसमें सौंफ, रेवन चीनी, सममोनिया, मस्तंगी और घी और चीनी अलग होती है, जिसकी जगह इस बुक में जो लिखा गया है उसी आधार पर मैं बना रहा हूँ और वो बना के आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले इन सभी औषधियों को आप चलने की सहायता से छान लीजिए।
छान के एक जान कर लीजिए। उसके बाद इसे आपको सिंपली जो मैंने बताया था बादाम का तेल यानी रोगम बादाम उसमें भूनना है, और उसके बाद इसका जो अवले बनेगा, जो चटनी बनेगी, उसका आप प्रयोग करके किसी भी तरह की कब्ज में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा शरीर में जो गर्मी होती है, मगज़ की जो गर्मी होती है, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। चक्कर आना या नेत्र ज्योति की कमज़ोरी हो जाती है यानी आँखों की कमज़ोरी है, उसमें बहुत फ़ायदा करती है। अगर आपके कफ बढ़ गया है उसमें ये फ़ायदा करेगी। मोतियाबिंद की शिकायत है उसमें भी फ़ायदा करेगी, और अगर मौलारोध है उसमें तो ये फ़ायदा करेगी करेगी। और दोस्तों ख़ासतौर से आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये हमने सबसे पहले आपको क्या करना है, कढ़ाई चढ़ानी है। कढ़ाई में आपको जो रोगन बादाम सिरिन है यानी बादाम का तेल है वो डालना है, और इस बादाम के तेल में हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट तक आप इस जो हमने चूर्ण लिए थे 9 अस्थियों के, उस चूर्ण को भून लेना है ताकि उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और ये किसी तरह से आपकी आंतों में कहीं भी लगे ना, यानी आपकी आंतों की सफाई करे वो भी बड़े प्यार से, बड़े आराम से। तो दोस्तों इसको हम हल्की आँच पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद दोस्तों सिंपल आपको इसमें शहद मिलाना है और आपका इत्रिफल मूल्यन तैयार हो जाता है। पर थोड़ी सी उसमें कमी ये रह जाती है कि उसको लगभग 40 दिन तक आपको अनाज में दबा के रखना होता है, ऐसा बुक में लिखाया गया है। तो हम भी इसको अनाज में दबा के रखेंगे और उसके बाद इसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों अब इसके उपयोग कैसे करना है, इससे कौन कौन से फ़ायदे होंगे, वो सारी चर्चा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये औषधि बहुत ही शानदार है, नॉर्मली आप किसी भी व्यक्ति को इसका प्रयोग करा सकते हो। इसका प्रयोग करने के लिए दोस्तों इसकी जो मात्रा है वो 3 से 6 ग्राम ही बताई गई है। 3 से 6 ग्राम दिन में 2 बार आप निवाए जल के साथ यानी थोड़ा सा गर्म किया हुआ जल, गुनगुना जल या दूध के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये औषधि मस्तिष्क की उष्णता को कम करती है, यानी अगर आपके शरीर में गर्मी चढ़ी हुई है उसको भी कम करती है, चक्कर आते हैं या नेत्र ज्योति की कमज़ोरी है वो भी दूर होती है, और कान में अगर किसी के शब्द बजने जैसी समस्या है या बहरापन है, तंद्रा है, मलावरोध है, दाह आदि की समस्या है, गर्मियों में खासतौर से ये समस्या हो जाती हैं, आपके मैदे की गर्मी है, तो उनमें सब में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये अवले आँख, कान, नाक और मगज और पुराने रोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों इसको बनाने के लिए बस सिंपली शहद के अंदर इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब शहद आपको कितना लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जितनी मात्रा में आपकी जो औषधियाँ होती हैं उससे 3 गुना आपको शहद लेना है, और जो बादाम के तेल की जो मात्रा वो लगभग लगभग आपको जिस तेल में आराम से ये जो औषधि हैं वो भुनी जा सके लगभग 100 या 150 ml तेल की ही आवश्यकता होगी। उसके बाद आप कांच के या मिट्टी, जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है उसमें डाल के इसे अच्छे से बंद करके आपको जो आपके जहाँ पे आप अनाज रखते हैं उसमें आपको 40 दिन तक दबाना है, तो ये औषधि आपकी पूरी तरह तैयार हो जाती है और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। दोस्तों निश्चित रूप से ये फ़ायदा करती है, आप इसका बना के प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई बात का डाउट रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस औषधि का प्रयोग करना है तो अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार इसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का खास वीडियो इत्रिफल मूल्यन के बारे में। दोस्तों हो सकता है थोड़ी सी इसमें आपको डाउट लगे, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है वो रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह बुक के आधार पर बनाया है, जो बाज़ार में ज़्यादातर मिलता है वो यूनानी चिकित्सा पद्धति के हिसाब से मिलता है, तो वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है और ज़बरदस्त रिजल्ट देती है, बहुत अच्छा काम करती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एके आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।